नमस्कार, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, लेखक ट्रेन द्वारा लंदन से मिडलैंड टाउन तक यात्रा कर रहा था। ट्रेन जब रवाना हुई तब वह पूर्ण रूप से भर चुकी थी, किंतु जैसे जैसे यह उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती गई, यात्री एक एक या दो दो करके उतरते गए। और जब ट्रेन ने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ा, उस समय लेखक ट्रेन में अकेला था। तभी एक मच्छर आ जाता है और लेखक को परेशान करने लगता है। लेखक मच्छर मारने की कोशिश करता है किंतु असफल रहता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इट वाज ऑल इन वैन, यह सब बेकार था, लेखक कह रहा है, किंतु लेखक ने मच्छर मारने का जो प्रयास किया था वह बेकार गया। वैन का अर्थ होता है इन वैन, व्यर्थ, मतलब जो लेखक का मच्छर मारने का प्रयास था वो व्यर्थ गया। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खिलवाड़ कर गया, ओपनली, खुल के, एंड ऑस्टेंटेसली, और खुलेआम, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर एक सांड से लड़ने वाले योद्धा की तरह। स्किलफुल कुशल मेटाडोर सांड से लड़ने वाला योद्धा, मतलब वह एक सांड से लड़ने वाले योद्धा की तरह मेरे साथ खिलवाड़ कर गया। फाइनेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड वॉल, मतलब जिस प्रकार से सांड से लड़ने वाला योद्धा सांड से लड़ने के लिए या क्रोधित बैल से लड़ने के लिए कलात्मक गतिविधियाँ आजमाता है, उसी प्रकार से मतलब मच्छर ने भी उसके साथ खिलवाड़ कर गया। इट वाज ओबियस, यह स्पष्ट था, दैट के ही वाज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं आनंद ले रहा था। दैट इट वाज फॉर दिस, इसी यही कारण था, ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, ही हैड डिस्टर्ब, उसने खलल डाल दिया था या भंग कर दी थी माई रिपोज, मेरी शांति। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खिलवाड़ चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बींग चेज्ड, व्हाट स्पोर्ट क्या खिलवाड़ हो सकता था लाइक बींग चेज्ड, पीछा किए जाने जैसा। बाय दिस ह्यूज, इस विशाल का है, लंबरिंग विंड मिल, मतलब पवन चक्की के आकार वाले, और फिर क्रीचर एक जीव द्वारा, मतलब एक पवन चक्की के आकार वाले जीव द्वारा पीछा किए जाने से अच्छा क्या खेल हो सकता था। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद भी इतना अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, सीम्ड प्रतीत होता था सो हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा असहाय। एंड सो स्टूपिड, और इतना ज़्यादा मूर्ख भी। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ माई फेलो, आई बिगेन टू एंटर, मैंने प्रवेश करना शुरू कर दिया, इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अपने सहयात्री के आत्मा, मैंने अपने सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया। ही वाज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, ही वाज नो लॉन्गर, वह बिल्कुल भी नहीं था, ए मियर इंसेक्ट, एक तुच्छ कीड़ा, वह एक तुच्छ कीड़ा मात्र बिल्कुल भी नहीं था। ही वाज डेवलपिंग, वह विकसित हो रहा था, इनटू अ पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व में। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमता, मतलब एक वह एक व्यक्तित्व और एक बुद्धिमतापूर्ण प्राणी विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज, जिसने चुनौती दी थी। द पोजिशन, अधिकार की, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में, विद मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, बराबरी के अधिकार की, जिस मतलब जो मच्छर था अब लेखक की नज़र में एक व्यक्तित्व और बुद्धिमत्तापूर्ण प्राणी में विकसित हो रहा था, जिसने उस डिब्बे में बराबरी के अधिकार की चुनौती लेखक को दी थी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, माई हार्ट, मेरा हृदय, और वार्मिंग टुवार्ड्स मतलब बार्मिंग टुवार्ड्स मतलब मित्रवत भावना जागृत होना, हिम उसके प्रति, मतलब लेखक कह रहा है मैंने महसूस किया मेरे हृदय में उसके प्रति मित्रवत भावना जागृत हो रही थी। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, एंड और द सेंस भाव ऑफ सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का, बाज फेडिंग, अस्त हो रहा था, और जो श्रेष्ठता का भाव था वो अस्त हो रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं श्रेष्ठ महसूस कैसे कर सकता था टू ए क्रीचर, एक ऐसे जीव से, हु वाज सो मैनिफेस्टेडली माई मास्टर, जो मेरा मालिक बन गया था मैनिफेस्टेडली, स्पष्ट तरीके से, इन द ओनली कंपटीशन, एकमात्र प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें, वी हैड एवर एंगेज, जिसमें हम कभी उलझ गए थे। वाई नॉट बी मैग्नीनिमस अगेन, वाई नॉट, क्यों नहीं बी मैग्नीनिमस, उदार बना जाए, अगेन फिर से क्यों ना उदार बना जाए। मैग्नीनिमिटी, उदारता, एंड मर्सी, और दयालुता, उदारता और दया, मैग्नीनिमिटी, उदारता, मर्सी, दया, बर थे द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट, सबसे अच्छे गुण ऑफ मैन, मनुष्य के। इन द एक्सरसाइज, प्रयोग में लाकर, ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों को प्रयोग में लाकर, आई कुड रिकवर, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई बाज में था, ए रेडिकुलस फिगर, एक उपहास का पात्र, ए थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डेरिजन, एक हंसी और उपहास की वस्तु। बाई बींग मर्सीफुल, दयालु बनकर, आई कुड रिशर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था द मॉरल डिग्निटी, नैतिक सम्मान ऑफ मैन, मनुष्य का। एंड गो बैक, और वापस जा सकता था, टू माई कॉर्नर, अपने कोने में, विद ऑनर, सम्मान के साथ, और सम्मान के साथ अपने कोने में वापस जा सकता था। आई विड्रॉ,
मैं स्थगित करता हूँ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्युदंड की सजा। आई सैड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट किंतु आई कैन रिप्रीव यू। रिप्रीव का अर्थ होता है सजा टालना, किंतु मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, और यह मैं करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार निकाला। ही केम, आया, एंड सैट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। फुलिस फेलो, मूर्ख साथी। आई सैड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को सौंप दिया। इन टू माई हैंड, मेरे हाथों में। मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन द बॉट साइड ऑफ कबार। मुझे देखा, कह रहा है कि जो ये सम्मानित अखबार है, रेस्पेक्टेबल सम्मानित, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मतलब जो अखबार था लेखक का, वो मतलब लेखक कह रहा है कि जो ये मेरा अखबार है या जो मेरी पत्रिका है, उसके दोनों कवर्स को मुझे क्या करना है, एक स्मैक देना, मतलब दोनों कवरों को मिलाना है, बीचना है। एंड यू आर ए कॉर्प्स, तुम एक लाश का ढेर बन जाओगे, नीटली सैंडविच, बिल्कुल सैंडविच की तरह। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस्ट्रैप, एक बिटवीन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के बीच में, जिसमें क्या है, एक पीस्ट्रैप, पीस्ट्रैप नाम का आर्टिकल है। एंड ऑन अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स, और दूसरा आर्टिकल क्या है, द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स। मतलब दो कवर थे, एक कवर पे एक आर्टिकल छपा था पीस्ट्रैप, और अखबार के दूसरे पेज पे द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स नाम का आर्टिकल छपा था। लेखक कह रहा है कि इन्हीं दो लेखों के बीच तुम लाश का एक ढेर बन के रह जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारी सजा टाल दी है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। दैट के वैन दिस लार्ज एनिमल, जब ये विशाल का जीव सेज ए थिंग, कोई बात कहता है, ही मीन्स इट, तो उसका यह तात्पर्य होता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है टू किल यू, तुम्हें मारने की। थ्रू नोबिंग जानकर यू बेटर, तुम्हें अच्छी तरीके से जानकर। आई हैव कम टू फील, मुझे महसूस होने लगा है, सेल आई से, क्या मैं कह दूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एक प्रकार का स्नेह फॉर यू, तुम्हारे लिए। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट के एस्टी फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, संत फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कह के पुकारा होगा। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, सो फार एज दैट क्रिश्चियन चैरिटी, ईसाइयों की दयालुता तक ज़्यादा दूर, मैं एंड सिविलिटी और सभ्यता, मैं ईसाइयों की दयालुता और सभ्यता तक ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, ये मोस्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक अधिक दूरी का रिश्ता, किंतु मैं एक अधिक दूरी के रिश्ते को पहचानता हूँ। फॉर्च्यून हैज मेड अस ए फेलो ट्रेवलर, सौभाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया। ऑन दिस काम समर नाइट, इस गर्मियों की रात में, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मियों की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें रुचि ली है। एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशंस, एहसान, इज म्यूचुअल, परस्पर है, मतलब हम दोनों के जो एहसान है वो बराबर हैं। एंड इट इज़ फाउंडेड, और ये आधारित है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, आधारभूत तथ्य पर, दैट के वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम जो है मरणशील साथी हैं। फेलो मॉर्टल का मतलब मरणशील साथी। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन के चमत्कार, इज हैं अवर्स, हम में इन कॉमन समान, और जो जीवन के चमत्कार हैं वो हम में समान हैं। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनी थिंग, तुम कुछ भी नहीं जानते अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मैं भी आश्वस्त नहीं हूँ। दैट कि आई नो मच, मैं भी ज़्यादा जानता हूँ अबाउट माइन, अपनी यात्रा के बारे में। लेखक कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, किंतु मैं भी नहीं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ। मतलब लेखक जो है, लेखक की वो मच्छर की जो ट्रेन की यात्रा है, उसे अपने जीवन की यात्रा से कंपेयर कर रहा है। मतलब लेखक मच्छर को ट्रेन की यात्रा के बारे में नहीं पता है, और लेखक को अपने जीवन की यात्रा के बारे में नहीं पता है कि कब समाप्त होगी। वी आर रियली, वैन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम ऐसा सोचने लगोगे तो हम क्या हो जाएंगे, रियली वास्तव में क्या हो जाएंगे, एक गुड डील, एक अधिक मात्रा में, अलायक, एक जैसे। लेखक कह रहा है, जब तुम ऐसा सोचने लगोगे तो हम दोनों बहुत बड़ी मात्रा में एक जैसे हो जाएंगे। जस्ट अपेरिशंस, केवल परछाइयाँ मात्र, डेट आर, जो हैं, एंड देन आर नॉट, फिर नहीं होंगी। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात से बाहर आते हुए, इन टू द लाइटेड कैरेज,
प्रकाश वाले डिब्बे में फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाते हुए फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के लिए रोशनी के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन और फिर से मतलब रात्रि में बाहर जाते हुए मतलब लेखक कह रहा है जो मच्छर था पहले रात्रि से प्रकाशित डिब्बे में आया और फिर लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाया थोड़ी देर के लिए और फिर से रात्रि में बाहर चला गया। परहैप्स संभवतः गोइंग ऑन टू नाइट सर आज रात कहीं और जा रहे हैं श्रीमान सैड ए बॉय से एक आवाज़ ने कहा एट द विंडो खिड़की पर। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर एक फ्रेंडली पोर्टर था गिविंग मी ए हिंट मुझे एक संकेत दे रहा था दैट के दिस वॉज माई स्टेशन या मेरा स्टेशन है। मतलब यह एक परिचित कुली ने खिड़की पर से कहा कि आज रात कहीं और जा रहे हैं श्रीमान और वह एक परिचित कुली था लेखक का और वह आई थैंक हिम मैंने उसे धन्यवाद दिया एंड सेड और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग मैं अवश्य उगने लगा हूँगा एंड सीजिंग माई हेड एंड स्टिक अपना टोप और छड़ी उठाकर आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट मैं गर्मियों की ठंडी रात में बाहर निकल गया एज आई क्लोज द डोर जब मैंने दरवाज़ा बंद किया ऑफ द कंपार्टमेंट डिब्बे का जब मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर मैंने अपने सहयात्री को देखा फ्लटरिंग राउंड द लैंप लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए या लाइट के चारों ओर फड़फड़ाते हुए।